क्रिसमस 2018 क्रिसमस ट्री के बारे में ये दिलचस्प बातें जानते हैं आप। क्रिसमस ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार है। लोग इसे काफी धूमधाम और जोर शोर से मनाते हैं। इस मौके पर लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री से सजाते हैं, लेकिन लोग क्रिसमस ट्री से जुड़ी कई बातों से अनजान रहते हैं। आइए जानते हैं क्रिसमस ट्री से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें। प्रभु यीशु का जन्म यरूशलेम के एक अस्तबल में क्रिसमस के पेड़ के नीचे हुआ था। उनके जन्म पर स्वर्ग से देवदूत ने आकर उनकी मां मरियम और उनके पिता को यीशु के जन्म की शुभकामनाएं दी। जिस पेड़ के नीचे यीशु जब का जन्म हुआ था, देवदूत ने उस पेड़ को रोशनी से खूब सजाया। तभी से लोग हर साल यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस के पेड़ को सजाने लगे। पुराने समय में क्रिसमस के पेड़ को लंबी आयु का प्रतीक माना जाता था। साथ ही ये मान्यता भी प्रचलित थी कि इसे घर में सजाने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। इसीलिए यीशु के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस ट्री को सजाने का रिवाज पड़ा। क्रिसमस ट्री को लेकर एक मान्यता और प्रचलित है, और वो ये है कि जिस घर में ये पेड़ होता है उससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरे साए हमेशा दूरी बना कर रखते हैं, साथ ही घर में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। क्रिसमस ट्री की सजावट को लेकर माना जाता है कि इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। 17वीं शताब्दी में क्रिसमस ट्री को कैंडल से सजाने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद 19वीं सदी में इसे इंग्लैंड में मनाने का रिवाज शुरू हुआ। इसके बाद तो वैश्विक रूप से क्रिसमस का जश्न मनाया जाने लगा। क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगे फीतों, रिबन, कैंडल्स और गुब्बारों से सजाया जाता है। साथ ही कई लोग इसे बिजली की झालर से भी सजाते हैं।